हाउ आर यू कविता? हाउ आर यू कविंदर? कैसे हो? ठीक है। कितने टाइम बाद मिल रहे हैं हम? डेढ़ साल तक। सब बेबीज कितने बड़े हैं आपके? ये 8 महीने के। जब हम लास्ट मिले थे आई थिंक आपकी 7th month की प्रेगनेंसी चल रही थी, ट्विन। उस टाइम हमने कविता का एक्सपीरियंस लिया था कि प्रेगनेंसी में कैसा फील हो रहा है, बच्चे होने के बाद कैसा फील हो रहा है। एकदम बढ़िया, भगवान मिल गया जनता में। सो इस खुशी का क्या मोल कहते हो आप? अनमोल खुशी। शादी को कितना टाइम हुआ था आपके? 16 साल। 16 साल के बाद आपको उम्मीद थी कि आपको एक लाइक आपको ट्विंस हो जाएंगे? लड़का एक लड़की। और अभी जब बेबीज हुए तो उनको जैसे कई कई लोग दो दो तीन तीन महीने बच्चे को कांच में रखते हैं, आपके केस में बच्चा कितना टाइम रहा कांच में? नहीं, कांच में तो नहीं था, नर्सरी में था, दो दिन के लिए। दो दिन के लिए नर्सरी, वो भी कमजोर था। सो अदरवाइज ऐसे कोई तीन तीन महीने कांच में नहीं रहा था बेबी। और डॉक्टर के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस था पूरा IVF के लिए? और बेबी ब्लूम IVF के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बेटर है IVF करवाना, सबसे बेटर है IVF, बच्चे आपके सामने हैं। और अदरवाइज बच्चे के डॉक्टर क्या बोलते हैं? ठीक है बोले, सब नॉर्मल है। बिल्कुल। कंग्रेचुलेशंस, आपकी फैमिली पूरी हो गई बेबी ब्लूम की तरफ से। इट्स अ लाइफ। ये सब डॉक्टर पूजिल की वजह से कंप्लीट हुआ। थैंक यू कर दो बेटा।